बिकॉज अगर उसका जिक्र की ऑडिट मैटर पैरा में होने वाला है तो ऑब्वियसली वो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट मैटर होगा और उसका एक रिटर्न वे में कम्युनिकेशन जाएगा डिटेल्ड वे में कम्युनिकेशन जाएगा स्ट्रक्चर्ड वे में कम्युनिकेशन जाएगा उसके बाद लीगल रिक्वायरमेंट क्या कहता है बिकॉज अगर लॉ की रिक्वायरमेंट है सपोज की राइटिंग में कम्युनिकेट करना है तो कम्युनिकेशन हमेशा रिटर्न वे में जाने वाला है समराइज वे में जाने वाला है डिटेल्ड वे में जाने वाला है लेकिन अगर लीगल रिक्वायरमेंट कोई नहीं है तो हो सकता है कि ऑरल कम्युनिकेशन से भी काम चल जाए उसके बाद दोस्त गवर्नेंस की एक्सपेक्टेशन क्या है उसके बाद क्या मैनेजमेंट ने प्रीवियसली मैटर को कम्युनिकेट किया था इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर कंट्रोल इन्वरायमेंट एंड लीगल स्ट्रक्चर ऑफ द एंटिटी एंटिटी का अगर साइज ज्यादा है वहाँ उसका जो लीगल स्ट्रक्चर है वो उस तरीके का है कंट्रोल इनरायमेंट बहुत खराब है रिस्क बहुत ज्यादा है कंट्रोल्स अच्छे नहीं है तो अगेन कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेट किया जाएगा वो डिटेल्ड मैनर में किया जाएगा और एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में किया जाएगा उसके बाद इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द रिलेशन द ऑडिटर हैज हैज विद दो स्टार्ट गवर्नेंस द कॉन्टेक्ट द डायलॉग दट द ऑडिटर हैज विद दो स्टार्ट गवर्नेंस तो ये कुछ मैटर्स हैं दट इज एक्चुअली गवर्न गोइंग टू गवर्न द मोड ऑफ कम्युनिटी शन उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है स्टैंडर्ड के अंदर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिपोर्टिंग टू शेयर होल्डर्स एंड रिपोर्टिंग टू दोस्त गवर्नेंस तो रिपोर्टिंग टू दोस्त गर्वेंस टू सिक्सटी में गवर्ड है और रिपोर्टिंग टू शेयर होल्डर्स की अगर हम बात करें तो ऐसा सेवन हंड्रेड सेवन हंड्रेड वन सेवन हंड्रेड फाइव सेवन हंड्रेड सिक्स में उसकी बातें होती है टीसी डब्ल्यू जी को हम आई एफ आर एस के बारे में कम्युनिकेट करते हैं जबकि शेयर होल्डर्स को कम्युनिकेट किया जाता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है रिपोर्टिंग टू दोस्त चार्ज गवर्नेंस एक इंटरनल रिपोर्ट है और पब्लिक डोमेन के लिए नहीं है जबकि रिपोर्टिंग टू शेयर होल्डर्स एक एक्सटर्नल रिपोर्ट है और पब्लिक डोमेन

उसके बाद ऐसे टू इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम टू दो इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का मतलब क्या होता है कि या तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एक्सस्ट ही नहीं करता है या तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सिस्टम किसी काम का नहीं है दैट इज द कंट्रोल इज डिजाइन इंप्लीमेंटेड और ऑपरेटेड इन ए मैनर दैट इट इज अनएबल टू प्रिवेंट डिटेक्ट और करेक्ट मिस स्टेटमेंट मतलब किसी काम का नहीं है और व्हेन इ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डज नॉट एक्जिस्ट राइट तो अगर ऑडिटर को लगता है कि जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो डेफिशिएंट है ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से ऑडिटर अगर ऐसा डिटरमाइन करता है कि जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डेफिशिएंट है तो दोस्त गवर्नेस को कम्युनिकेट कर देगा और डेफिशियका डिस्क्रिप्शन दे देगा ताकि दो स्टार्जेड गवर्नेस उसके पोटेंशियल इफेक्ट को समझ पाए कि इसकी वजह से कहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रभाव जा सकते हैं और जिस लेटर के अंदर ऑडिटर वीकनेसेस कम्युनिकेट करेगा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में मैनेजमेंट को और दोस्त गवर्नेंस को उस लेटर को नाम दिया जाएगा लेटर ऑफ वीकनेस तो लेटर ऑफ विकनेस क्या होता है लेटर ऑफ विकनेस मतलब ऐसा लेटर जिसमें ऑडिटर लैप्स बताता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में और साथ में रेमडल एक्शन भी बताता है कि वाट आर द रेमिडल एक्शन दैट द दा मैनेजमेंट कैन एक्चुअली डू टू ओवरकम दोज वीकनेसेस राइट तो ऐसे 265 के अंदर मेनली आपको इतना ही याद रखना है ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड नहीं है बट साथ ही साथ एक रेफरेंस याद रख लेना कि 143 3 के अंदर एक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट होती है कि ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ता है कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम इफेक्टिव है कि नहीं है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की ही बात करें तो ऐसे थ्री में भी अपने को रेफरेंस देखने को मिलता है कि ऐसे थ्री के अंदर कहा गया है कि ऑडिटर को क्या करना पड़ता है अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा है कि नहीं है वन फोर्टी थ्री सबसे के अंदर ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ता है कि जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है वो इफेक्टिव है कि नहीं है इसका सिग्निफिकेंस क्यों है यहां पे बिकॉज़ एएसए 265 कहीं भी ये नहीं कहता है कि ऑडिटर को इंटरनल कंट्रोल्स की रिपोर्टिंग करनी है एएसए 265 उससे इतना कहता है कि अगर ऑडिट करते वक्त कहीं कोई सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी दिखाई दे जाए कंट्रोल में तब उसके बारे में दोस्त गवर्नेंस को बता देना है सो दैट इज द को रिलेशन बिटवीन एस ए टू एंड वन फोर्टी सबसेक्शन थ्री सो यहाँ पे हमने रिवाइज uh, कर लिया है तो आप अगेन क्या कर सकते हैं इसे बार बार सुन सकते हैं कंटिन्यूअसली सुन सकते हैं